नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको आज हलवाई स्टाइल में गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बीच बीच में मैं ट्रिक और टिप्स भी बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों। आज मैंने इसको मावा और छेने से बनाए हैं और इसका आप नेचर देख सकते हैं कितना बढ़िया है। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर है, अंदर तक पके हैं और अंदर तक जूसी भी है और इसमें बिल्कुल चाशनी अच्छी तरह से भर चुकी है। और चलते हैं वीडियो की तरफ, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने गैस पे एक भगोना रखा है, आप कढ़ाई कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा भगोना रखा है, उसमें मैं आधा किलो चीनी डाल रही हूँ। जितनी हम चीनी डालेंगे उससे हमें इसमें, जैसे आधा किलो चीनी है तो हमारे को इसमें एक किलो पानी डालना है। गैस को तेज आंच पे रखना है और हमें इसको लगातार चलाना है चीनी, जब तक हमारी अच्छी तरह से घुल जाए। आज हम ये चाशनी गुलाब जामुन के लिए बना रहे हैं। पहले हमें चाशनी बनानी होती है जिससे थोड़ी ठंडी हो जाए, और चाशनी हमेशा हमारी पतली चुपी चुपी होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं है गुलाब जामुन की चाशनी होती है। और इसे हमें अच्छी तरह से जब तक चलाते रहना, कई बार ये चीनी नीचे लग जाती है हल्की सी, इसलिए इसमें एक चुटकी में इलायची पाउडर डाल रही हूँ। दोस्तों चाशनी हमारी इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल चुपचुपी होनी चाहिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आधे तार से भी थोड़ी कम उस हिसाब से चाशनी होनी चाहिए। जैसे गाढ़ा सा आप बाजार से गुलाब जामुन लाते हैं तो आप देख लीजिएगा कि बाजार की गुलाब जामुन की चाशनी कैसी होती है, और बनाते समय उससे भी थोड़ी सी पतली होती है। दोस्तों मैंने आधा किलो चीनी डाली थी, एक किलो पानी डाला था, इसमें 250 ग्राम चीनी और डाल रही हूँ। चाशनी हमारी थोड़ी पतली लग रही है इसलिए 250 ग्राम और चीनी डाल रही है, तो ये मेरी 3 पाव चीनी हो गई है और 1 किलो पानी है, तो ये बिल्कुल राइट है। इस तरह से हमारी तैयार हो चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया था चाशनी हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। और मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ, इसमें मैंने 1 किलो पानी डाला है और 3 पाव टोटल चीनी हो गई है। पहले मैंने आधा किलो डाली थी, फिर 250 ग्राम डाली थी, तो टोटल चीनी हमारी 3 पाव है। गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ। इधर गुलाब जामुन की हम तैयारी कर लेते हैं, आइए शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना। इसके लिए मैंने 250 ग्राम खोया लिया है, आप बाजार से खोया ला सकते हैं, इस तरह से खोया हमारा होना चाहिए। और अगर आपका टाइट हो तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं, और दूसरा वाला हो नरम हो इस तरह का, जिसको धाप बोलते हैं, तो आपको इसको कद्दूकस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं ये आधा कप मैदा डालूंगी और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैंने छेना लिया है, ये आप बाजार से ला सकते हैं पनीर वाली की दुकान से, इसको भी हमें डाल देना है, मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। और साथ में ही मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है, ये 2-3 पिंच इलायची पाउडर खुशबू के लिए। और यहाँ मैंने इसको सब चीजों का मिक्स कर लेना है। और यहाँ मैंने 2 पिंच बेकिंग पाउडर लिया है, इसको भी हमें डाल देना है। आज मैं आपको हलवा स्टाइल में नीचे ही बैठ के बता रही हूँ गुलाब जामुन कैसे तैयार करते हैं। मैं छोटी छोटी सी लोई लूंगी, आप छोटे बड़े गुलाब जामुन जैसे बनाना चाहते हैं उस तरह से लोई ले सकते हैं। यहाँ मैंने इतनी बड़ी लोई ली है जिससे थोड़े बड़े गुलाब जामुन बने। इस तरह से हमें इसको गोल 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 लोइयां बना लेनी है। आप चाहें तो 2-2 भी बना सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ 2-2 लोइयां भी आप कैसे बना सकते हैं। पहले आप इनको तोड़ लीजिएगा, और मैंने एक ट्रे रख ली है, ट्रे में लोइयां रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये सारी लोइयां बना ली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल बटन है उसे जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अब सभी इन गोलियों को हमें गर्म तेल में डालने हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने 1 किलो तेल डाल दिया रिफाइंड, और तेल इतना गर्म होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा पहले आपको गोलियाँ दिखा रही हूँ डाल के, इस तरह से पहले आप चेक कर लीजिएगा तेल हमारा इतना गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जब डालते ही सिक जाए, धीरे धीरे सिकना चाहिए। अब सारी लोइयों को हमें डाल देना है, डालते ही इसको हमें चलाना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको हमें राउंड राउंड घुमाना है। आप एक चम्मच की सहायता से किसी से भी घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी गोलियाँ गुलाब जामुन की बड़ी बड़ी हो गई हैं, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। इस तरह से हमें लाइट ब्राउन होने तक सेक लेना है इसे, इसको टोटल सेकने में 15 मिनट लग जाते हैं, 15 से 20 मिनट भी कई बार लग जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टॉयलेट पलट के सेक लेना है चारों तरफ से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। गुलाब जामुन की हमारी ये पहचान होती है, जब गुलाब जामुन जैसे गोलगप्पे की तरह पलटता नहीं है, तो हमारा गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा सीखा है, अंदर तक सॉफ्ट है, इससे पता लग जाता है हमारे गुलाब जामुन को। इसको आप
ध्यान से इस तरह से दबा दबा के, अब आप देख रहे होंगे मैंने पलटी की सहायता से भी सेक रही हूँ और ये हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं। गुलाब जामुन हमारे सिक चुके हैं, अब इसे हमें निकाल कर सीधा चाशनी में डालना है। इधर हमारी चाशनी बनी रखी है, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दोनों वीडियो आपको एक साथ दिखा सकूँ, पर थोड़ी थोड़ी आपको दिखेगी। आप देख रहे होंगे कढ़ाई, अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और इस तरह से हमें निकाल कर, आप ज़्यादा ब्लैक खाने चाहते थे जैसे मैंने ये ब्लैक करा हुआ है, आप इस तरह से ब्लैक भी कर सकते हैं। और हमें इसको सारे गुलाब जामुन को गर्म चाशनी में डाल देना है। इस तरह से जामुन सॉफ्ट हो जाते हैं तो गुलाब जामुन आपके खराब बने हैं। अगर बिल्कुल इस तरह से तैरते रहते हैं, बिल्कुल भी दबता नहीं है, तो आपके गुलाब जामुन बहुत फर्स्ट क्लास बने हैं। देखा दोस्तों, हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। ये बनाने बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको बीच बीच में टिप्स बताई हैं, आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। आप इन बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि कितना सॉफ्ट बना है, मैं काट के भी आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से, ये चाशनी में गर्मा गर्म जामुन में इस तरह से आप देख सकते हैं अंदर तक इसकी लेयर और ये सॉफ्ट और कितना जूसी भरा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में, इतना सॉफ्ट भी है, जूसी भी है, कच्चा भी नहीं है, खाने में तो बहुत टेस्टी है। थोड़ा सा आप सूखा बुरादा लीजिए और इस तरह से गुलाब जामुन को निकालिए और हल्का सा इस तरह से आप लपेट लेंगे तो ये आपका गोले वाला बुरादे वाला गुलाब जामुन तैयार हो जाएगा। अगर आप, और इस तरह से आपको फिर चाशनी में नहीं डुबोना है, इस तरह से रखा रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।